प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्य हॉस्पिटल। हिमाचल प्रदेश के विश्व विज्ञान शक्तिपीठ श्री नैना देवी में गुप्त नवरात्रि प्राचीन परंपराओं के मुताबिक पूजा पाठ के साथ आज संपन्न हो गए। इन गुप्त नवरात्रों में मुख्य पुजारी राहुल शर्मा की अगुवाई में माता जी का विशेष पाठ आरती हवन यज्ञ चलता रहा। वहीं पर इस बार गुप्त नवरात्रों में कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं को माता जी के दर्शनों से महरूम रहना पड़ा। स्थानीय पुजारी सचिन शर्मा और अजय शर्मा का कहना है कि इन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रों के दौरान स्थानीय पुजारी वर्ग ने पूजा पाठ करके माता रानी से दुआ मांगी है कि जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो और श्रद्धालुओं को माता रानी स्वस्थ रखे। उन्होंने बताया है कि मान्यता है कि माँ के गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले जाप पाठ हवन पर कई लाख गुना अधिक फल अन्य दिनों की अपेक्षा प्राप्त होता है और इन दिनों में की गई आराधना से माँ प्रसन्न होती हैं। तो आज गुप्त नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं आषाढ़ के, आज संपन्न हुए। पूजा पाठ विधि विधान के साथ किए गए। पूर्व में ये पहले प्राचीन काल में गुप्त इसलिए कहे जाते थे क्योंकि इनमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि की जाती थी, लेकिन अब कालांतर में इनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से मंदिर में यात्रियों का आना निषेध था, लेकिन जो पूजा पाठ पुजारियों ने किया कोरोना महामारी की शांति के लिए, वो अच्छे से शुभता से संपन्न हुआ। आज से गुप्त रात्रि भी समाप्त। माता श्री नैना देवी जी के गुप्त नवरात्रि जो है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो चुके हैं और माता के मंदिर में जैसे पहले पाठ पूजा होती थी वैसे पाठ पूजा हो रही है और वैसे भी पूजन हो रहा है। हम यही भक्ति माँ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी भक्तों को दर्शन देने की कृपा करें, इस लॉकडाउन को ख़त्म करें, इस बीमारी को ख़त्म करें और लोगों की जो आस्था बनी हुई है उसको आस्था बनी रहे। मेरी यही मनोकामना है भक्ति माँ के चरणों में। तो बहुत सच्चे दरबार की जय।